सोनाली ए टू जेड मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ दो घंटे में फोल्डर बा ग्लास चेंज कराएं। पता PHE के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं कैलाश कुशवा, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। आज की प्रमुख खबरों पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सभी हेडलाइंस पर। रविवार को दुकानें रहेंगी खुली। गुमस्ता कानून के तहत जो दुकानें जिस दिन बंद रहती हैं वे उसी दिन बंद रहेंगी। जिला संकट समूह की बैठक में स्वेच्छा से व्यापारियों द्वारा लिए गए निर्णय को कलेक्टर ने किया बंधन से मुक्त। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला संकट समूह की पूर्व में आयोजित बैठक में व्यापारियों द्वारा स्वेच्छा से जिले में अपनी दुकानें रविवार को बंद रखने के लिए लिए गए निर्णय को बंधन से मुक्त कर दिया गया है। अब जिले के समस्त व्यापारीगण अपनी दुकानें रविवार को खोल सकेंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में कोरोना संक्रमण नहीं होने तथा जनप्रतिनिधियों एवं व्यापारियों से चर्चा अनुसार रविवार को जिले के समस्त व्यावसायिक दुकानें अब खुली रहेंगी। उन्होंने कहा है कि गुमास्ता कानून के अंतर्गत जो दुकानें जिस दिन बंद रहती हैं वे उसी दिन बंद रहेंगी। व्यापारियों को अनिवार्यता गुमास्ता कानून का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का हुआ आयोजन। प्रदेश के 20 लाख किसानों को सिंगल क्लिक से 400 करोड़ रुपए का हित लाभ वितरण किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज जिला कांग्रेस ने बापू पार्क में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया। इस दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म गुरुओं के साथ साथ कांग्रेस जन और आम नागरिक शामिल हुए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गुना द्वारा आज एक रैली निकालकर ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय मांगे रखी। कैबिनेट से पारित 5 जून 2018 की नीति अनुसार नियमित कर्मचारी के समकक्ष वेतन 90% संविदा कर्मचारियों को लागू किया जाए। NHM से निष्कासित कर्मचारियों की वापसी हो। सपोर्ट स्टाफ की NHM में वापसी हो। आज सेमरी में मनसापूर्ण हनुमान जी के मंदिर पर दर्शन करने पहुंचे पूर्व मंत्री एवं राजगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह, किया आशीर्वाद प्राप्त। जिला अस्पताल में लिया गया संकल्प। राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस के रूप में मनाई गई बापूजी की पुण्यतिथि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि स्वास्थ्य विभाग द्वारा परंपरा अनुसार राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर स्थानीय जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ CMHO डॉक्टर पी बुनकर द्वारा राष्ट्रपिता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। आज राधोगढ़ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सर्वप्रथम महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों को याद कर समस्त कांग्रेस युवा एवं वरिष्ठ नागरिक उपस्थित रहे। विशेष पिछड़ी जनजाति शहरिया आदिवासियों की 26 बेटियां उड़ान भरने की कर रही तैयारियां। इनका संबल बना है जिला प्रशासन। गरीब और विकास की मुख्य धारा जुड़ने से पीछे छूट रही शहरिया आदिवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए जिला प्रशासन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन में 12वीं और उससे ऊपर की शिक्षित शहरिया समाज की बेटियों को शासकीय सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल कराने के उद्देश्य से उड़ान अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद ने किया 11वां सुंदरकांड। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद का 11वां सुंदरकांड छबड़ा कॉलोनी स्थित अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद जिला अध्यक्ष निशांत शर्मा के निवास पर आयोजित किया गया। नगर पालिका परिषद गुना द्वारा महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर मौन धारण किया गया। इस अवसर पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी तेज सिंह यादव द्वारा उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला गया एवं अपने जीवन में सत्य अहिंसा का मार्ग अपनाने की सलाह दी। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा आज भी धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। भारत सरकार द्वारा लाए गए किसान कृषि बिल का कर रहे विरोध।
कैंट थाना पुलिस द्वारा NSA के आरोपी को किया गया गिरफ्तार, पहुंचाया गया जेल। जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त बदमाशों एवं फरार आरोपियों की धरपकड़ हेतु गुना पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के पालन में आज कैंट थाना पुलिस द्वारा NSA के आरोपी को गिरफ्तार कर केंद्रीय जेल ग्वालियर पहुँचाने में महत्वपूर्ण कामयाबी हासिल की गयी। लोधा लोधी महासभा की बैठक होगी रविवार को। अखिल भारतीय लोधा लोधी महासभा की बैठक अवंती लोधा रोड कुशमोदार लोधा लोधी समाज की धर्मशाला में रविवार 31 जनवरी 2020 को होगी। मीडिया प्रभारी राकेश लोधा कंचनपुरा ने बताया कि बैठक में जिला संगठन का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु विचार विमर्श किए जाएंगे। इकतीस जनवरी रविवार के दिन पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत इंडियन मेडिकल एसोसिएशन शाखा गुना के तत्वधान में स्थानीय स्वास्थ्य सहयोगी समिति टेकरी रोड के सहयोग से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़ेवालाजी पर एक बूथ का आयोजन किया जाएगा। कुमराज शहीद दिवस पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने गौशाला स्थल की सफाई कर मनाया स्वच्छता अभियान और मौन रख कर दी श्रद्धांजलि। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के पदाधिकारी गण उपस्थित रहे। दिनांक 1 फरवरी सोमवार के दिन स्थानीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बूढ़े बालाजी पर स्वर्गीय राम सहाय सक्सेना की पुण्यतिथि पर एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सोनी परिवार ने महादेव मंदिर की 20वीं वर्षगांठ पर राम मंदिर निर्माण में किया समर्पण। दया दानेश्वर महादेव मंदिर की 20वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 2,51,000 रुपए की समर्पण राशि का चेक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के क्षेत्रीय सेवा प्रमुख अशोक अग्रवाल एवं विभाग प्रचारक रामवीर सिंह के हाथों सौंपा। रोटरी क्लब गुना ने मनाया अपना 50वां स्थापना दिवस। रोटरी क्लब गुना द्वारा अपने 50वें स्थापना दिवस पर रोटरी भवन गुना में विशेष आयोजन रखा गया। रोटरी मीडिया प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि रोटरी क्लब गुना को स्थापित हुए 50 वर्ष हो गए हैं। कुमराज नगर में राम भक्तों की टोलियां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान के लिए धन संग्रह के लिए निकली। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री करण मीना ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण महाअभियान के निर्मित पूरे प्रखंड में कार्यकर्ताओं की टोली प्रत्येक राम भक्तों तक पहुंचकर श्री राम मंदिर निर्माण में सभी की सहभागिता हो, इसके लिए सभी अलग अलग टोली बनाकर निधि संग्रह का कार्य कर रहे हैं। वरिष्ठ सर्जन स्वर्गीय डॉक्टर YS अग्रवाल की स्मृति में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर का होगा आयोजन। JCI गुना पायोनियर एवं अग्रवाल ट्रस्ट गुना के संयुक्त तत्वधान में गुना के वरिष्ठ सर्जन स्वर्गीय डॉक्टर YS अग्रवाल की स्मृति में निशुल्क हृदय रोग, मूत्र रोग, कैंसर, घुटना, कुल्हा प्रत्यारोपण, नेत्र रोग परीक्षण शिविर का आयोजन 31 जनवरी रविवार सुबह 10 बजे से 2 बजे तक स्थानीय राम हाईटेक हॉस्पिटल पत्रकार कॉलोनी में होगा। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद गुना द्वारा निशुल्क नेत्र जांच एवं मोतियाबिंद चयन का आयोजन 1 फरवरी 2021 को सोमवार प्रातः 10 बजे से 1 बजे तक किया जाएगा। आयोजन सतगुरु सिटी आई सेंटर कैचीबिड़ी कारखाने के पास कैंट रोड पर होगा, जिसमें आंखों की जांच कर मोतियाबिंद ऑपरेशन सतगुरु सेवा संघ ट्रस्ट आनंदपुर लटेरी के विशेषज्ञ द्वारा किए जाएंगे। विशेष पिछड़ी जनजाति शहरी आदिवासियों की 26 बेटियां उड़ान भरने की कर रही तैयारियां, इनका संबल बना है जिला प्रशासन। गरीब और विकास की मुख्य धारा जुड़ने से पीछे छूट रही शहरी आदिवासियों के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए जिला प्रशासन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के मार्गदर्शन में 12वीं और उससे ऊपर की शिक्षित शहरी समाज की बेटियों को शासकीय सेवाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल कराने के उद्देश्य से उड़ान अभियान कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। करती हूँ। मेरा बीए फाइनल हो चुका है, एमए थर्ड ईयर में चल रहा है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी कर मेरे परिवार का पालन पोषण करते हैं।
और मैं पुलिस में मतलब एमपी पुलिस में भर्ती होना चाहती हूँ। पुलिस बनकर मेरे समाज एवं देश की सेवा करना चाहती हूँ। समाज की कुरूतियों अंधविश्वासों उनको मिटाना चाहती हूँ, जिससे कि हमारे समाज के जो बच्चे हैं जो बच्चियाँ हैं सब पढ़ सके और आगे बढ़ सके और हमारे समाज का विकास हो सके। मेरा नाम रूबी सहरिया है, मेरे पिताजी का नाम श्री शंकरलाल सहरिया है, मेरी माताजी का नाम श्रीमती केराबाई है। मैं ग्राम मेंढरा पोस्ट फतेहगढ़ तहसील बमोरी से हूँ। मैंने बीएससी बायोलॉजी एंड हिस्ट्री एमए हिस्ट्री बीएड कंप्लीट कर लिया है। रनिंग में एमएससी चल रहा है। मैं एक गरीब परिवार से हूँ। मेरे पिताजी मजदूरी करते हैं, मजदूरी करके ही घर का खर्चा चलाते हैं। मैं एक आर्थिक परिस्थिति से गुजरते हुए मेरे पिताजी ने मुझे यहाँ गुनाह में रखकर पढ़ाया और मेरी पढ़ाई में इतनी हेल्प की। समाज की अंधविश्वास कुरीतियों को नज़रअंदाज करते हुए भी पिताजी ने मुझे यहाँ भेजा है पढ़ने के लिए। इसी बीच माननीय कलेक्टर महोदय जी ने एक उड़ान कार्यक्रम रखा है, जिसमें हम आरसीटी संस्था में रहकर प्रशिक्षण विश्व कोचिंग का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आदिम जाति कल्याण विभाग महिला बाल विकास ने हमें सहयोग दिया है पढ़ाई में, जिससे मैं एक शिक्षक, मेरा लक्ष्य है कि मैं शिक्षक बनूँ, शिक्षक बनकर समाज की सेवा करूँ। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ गुना द्वारा आज एक रैली निकाल कर ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने अपनी 3 सूत्रीय मांगे रखी। कैबिनेट से पारित 5 जून 2018 की नीति अनुसार नियमित कर्मचारी के समकक्ष वेतन 90% संविदा कर्मचारियों को लागू किया जाए। NHM से निष्कासित कर्मचारियों की वापसी हो। सपोर्ट स्टाफ की NHM में वापसी हो। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन जो है उसका प्रदेश व्यापी एक आंदोलन का आगाज करने के लिए, सरकार को चेताने के लिए हम लोगों ने आज एक रैली निकाली है प्रदेश स्तर पर, जिसमें कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है। कैबिनेट के द्वारा 5 जून 2018 की नीति पास की गई थी, जिसमें समस्त विभागों के संविदा कर्मचारियों को परमानेंट पदों के 90% वेतन देने की बात कही गई थी। मध्य प्रदेश शासन के लगभग सभी विभागों में 5 जून 2018 की नीति को लागू कर दिया गया है, लेकिन NHM राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य विभाग में इस नीति को अभी तक लागू नहीं किया गया है। जबकि स्वास्थ्य NHM में कर्मचारी 10 से लेकर 15 साल से काम कर रहे हैं, ना तो उन्हें नियमित किया गया है, ना ही उन्हें नियमित पदों के 90% वेतन की नीति को लागू किया गया है। अभी हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है, सभी 52 जिलों में सरकार को एक बार आगाह किया जा रहा है कि जो शोषणकारी नीति है उसको बंद किया जाए और सभी संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाए, और नियमित करने से कम जो 3 साल पहले 5 जून 2018 की नीति थी उसको लागू किया जाए। अगर शासन 5 जून 2018 की नीति को लागू कर देती है तो शासन का स्वागत है, नहीं तो फिर प्रदेश स्तर से जो निर्णय लिए जाएंगे उसका आगे भोपाल में 8 तारीख को आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई जाएगी। जिला अस्पताल में लिया गया संकल्प, राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस के रूप में मनाई गई बापूजी की पुण्यतिथि। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि स्वास्थ्य विभाग द्वारा परंपरा अनुसार राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर स्थानीय जिला चिकित्सालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ CMHO डॉक्टर पी बुनकर द्वारा राष्ट्रपिता के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया। माननीय बापूजी ने कुष्ठ रोगियों की अपने जीवन भर सेवा की है और उसी की सेवा के लिए हम जो है संकल्प ले रहे हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद आप दोहराएंगे बात आए करके। मैं अपने ग्राम को कुष्ठ मुक्त रखने की दिशा में पूर्ण सहयोग दूंगा। कुष्ठ मुक्त व्यक्ति अथवा उनके परिवार से सामान व्यवहार समाज के सभी आयोजनों अथवा कार्यक्रमों में उन्हें ससम्मान आमंत्रित करूंगा। इनके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करूंगा। कुछ लोग के संभावित व्यक्ति अथवा कुष्ठ रोग से पीड़ित को समय
पर उपचार मिले तथा उसे पूर्ण उपचार लेने हेतु प्रेरित करूंगा अपने ग्राम शहर प्रदेश को कुष्ठ मुक्त बनाने का पूज्य बापू जी का सपना को पूर्ण करने में सतत प्रयत्नशील रहूंगा। महात्मा गांधी की जय। कुमराय नगर में राम भक्तों की टोलियां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण अभियान के लिए धन संग्रह के लिए निकली। विश्व हिंदू परिषद प्रखंड मंत्री करण मीना ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निधि समर्पण महाअभियान के निर्मित पूरे प्रखंड में कार्यकर्ताओं की टोली प्रत्येक राम भक्तों तक पहुंचकर श्री राम मंदिर निर्माण में सभी की सहभागिता हो इसके लिए सभी अलग अलग टोली बनाकर निधि संग्रह का कार्य कर रहे हैं। जय श्री राम। 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 जय जय श्री राम। जय श्री राम। नारे लगा दो नारे। जय जय श्री राम। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा आज भी धरना प्रदर्शन जारी रखा गया। भारत सरकार द्वारा लाए गए किसान कृषि बिल का कर रहे विरोध। बताइए आज आप लोग क्या हड़ताल पर? हम लोग आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, उनकी पुण्यतिथि पे आज वो हड़ताल पे बैठे हुए हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज हमारी ये है, किसान आंदोलन जो चल रहा है, भारत सरकार ने तीन काले कानून जो बनाए हैं उनके खिलाफ और किसानों के समर्थन में हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये तीनों काले कानून वापस होना चाहिए और जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक हमारे धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। भूख हड़ताल हमारी सिर्फ एक दिन की है। आज महात्मा गांधी को नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज जिला कांग्रेस ने बापू पार्क में सर्वधर्म सभा का आयोजन किया। इस दौरान हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई धर्म गुरुओं के साथ साथ कांग्रेस जन और आम नागरिक शामिल हुए। आज हमारे देश की आजादी के सिरमौर महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर जिला कांग्रेस कमेटी गुना ने सर्वदलीय सभा का आयोजन किया था, सर्वधर्म सभा का आयोजन किया था। इस सभा में हमारे नगर के हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई के सभी संतों ने हमारे आवेदन को स्वीकार कर यहाँ पधारे और अपनी वाणी से उन्होंने हमारे देश में शांति रहे, हमारे प्रदेश में शांति रहे, हमारे जिले में शांति रहे, जिले का और प्रदेश का और देश का विकास हो और भाईचारा रहे, ऐसी भावनाएं सभी संतों ने की व्यक्त की और सभी उपस्थित नागरिकों ने और कांग्रेस जन ने संकल्प लिया है कि हम बापू पार्क का उद्धार भी करने का आज संकल्प लेते हैं। यहाँ जो बापू जी की प्रतिमा है और उस क्षेत्र में अनावश्यक कार्य चल रहे हैं, वसूली हो रही है या गंदगी हो रही है, इन सब के निराकरण के लिए जिला प्रशासन पर दबाव बनाएंगे और अमन चैन का संदेश हम शहर में देंगे। इसी भावना के साथ जय हिंद, जय भारत। हमारे यहाँ लेदर जैकेट, सादा जैकेट व सभी वैरायटी की जैकेट उपलब्ध है। गर्म कपड़ों की संपूर्ण श्रृंखला उपलब्ध है। ट्रिपल होजरी सेल, जहाँ आप पाएंगे
बच्चों से बड़ों तक की संपूर्ण श्रृंखला। हमारे यहाँ जीन, शर्ट, टी शर्ट, लेडीज जीन, लेडीज टॉप व लेडीज टी शर्ट, इसके साथ ही लेडीज कुर्ते, लेगिंग, ड्रेसेस, हमारे यहाँ सभी के लिए अनेक प्रकार की वैरायटी, डिजाइनिंग व ब्रांडेड गारमेंट्स। एक बार सेवा का मौका जरूर दें, साथ ही सर्दियों का धमाका त्रिपुर होजरी सेल। इस सर्दी में आप पाएंगे न्यू डिजाइनर स्वेटर, जैकेट्स, लेडीज स्वेटर, लेडीज जैकेट, वूलन कुर्ते, वूलन में कई वैरायटी। जी हाँ, ये सब एक ही दुकान पर, त्रिपुर होजरी सेल। हमारा पता त्रिपुर होजरी सेल। सोनाली ए टू जेड मोबाइल शॉप एंड रिपेयरिंग सेंटर, सभी कंपनी के शिम्बा मोबाइल, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल रिपेयरिंग, हाथों हाथ दो घंटे में फोल्डर बाग ग्लास चेंज कराएं। मोबाइल स्टार्ट मात्र 499 रुपए से। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, रेडमी, आईटेल, लावा, इंटेक्स, नोकिया एवं सभी कंपनी के मोबाइल उपलब्ध। चार्जर, हेडफोन, पावर बैंक, डाटा केबल 6 महीने की वारंटी के साथ उपलब्ध हैं। दीपावली ऑफर, मोबाइल खरीदने पर आकर्षक गिफ्ट हैम्पर। पता पीएचई के सामने, हनुमान कॉलोनी, गुना।